all of the books. Look at that. Oh, mind blowing. राधे राधे दोस्तों, इस व्लॉग की स्टार्टिंग में वहीं से कर रही हूँ जब मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ से भजन करके आए और विवेक गए थे शॉपिंग करने और मैं गई थी अपनी फ्रेंड के यहाँ पे भजन थे वहाँ पर, तो बहुत सारी शॉपिंग करके लाए हैं क्योंकि भव का बर्थडे सेलिब्रेशन भी करना है और मैंने आईपी स्टार्ट कर लिया है। वैसे तो रात बहुत हो गई है पर मुझे भाजी अभी बना के रखनी है क्योंकि कल हमने करना है भव का बर्थडे सेलिब्रेशन। जिस दिन भव का मेन बर्थडे था उस दिन तो वर्किंग डे था तो नहीं पॉसिबल हो पाया, तो कल यहाँ पर संडे है और ये वाला जो रिकॉर्डिंग है ये सैटरडे नाइट की, सैटरडे को मेरी फ्रेंड ने भजन रखे थे, मैं वहाँ से रात में आई, चेंज करके सीधी लग गई हूँ किचन में भाजी बनाने के लिए। बहुत ही क्विक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें कि आपको अलग से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप प्रेशर कुकर ले लीजिएगा या इंस्टेंट पॉट ले लीजिएगा। तो मैंने लिया है इंस्टेंट पॉट, उसको मैंने सॉटी मोड पर कर लिया है, उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल ताकि जो बटर है वो जले नहीं। ऑयल और बटर में ही हम डाल देंगे जीरा, हींग और हल्दी। तीनों ही चीज़ें डालने के बाद मैं इसमें मोटा कटा कटा प्याज डाल दूंगी। आपको कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार इस तरीके से अपनी भाजी बनाएंगे, बनेंगी भी टेस्टी और साथ में मेहनत बहुत कम लगेगी। तो मैंने प्याज को बहुत मोटा मोटा काट लिया है, मतलब फाइन नहीं काटा है, और साथ में ही मैंने इसी में तीन गार्लिक भी रफली चॉप कर ली है। अनियन और गार्लिक को थोड़ा सा इसमें सॉटी कर लेंगे, जितने ये सॉटी होंगे उतने में शिमला मिर्च को भी बहुत ज़्यादा फाइन नहीं नॉर्मल जैसा चॉप कर लूँगी। एंड जिस दिन इस वाली वीडियो को मैंने वॉइस ओवर किया था उस दिन थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा था तो आपको आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट लग सकती है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर ये अनियन और गार्लिक दोनों ही थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं और अब मैं इसमें डाल दूँगी शिमला मिर्च। मैंने दो छोटी छोटी हरी वाली शिमला मिर्च ली हैं, उनको मैं इसमें डाल दूँगी और उनको भी मैं हल्का सा सॉटी कर लूँगी। ये वाली तरीके से भाजी बनाने के लिए ना तो आपको टमाटर को अलग से मिक्सी में पीसना पड़ेगा एंड अलग से आपको कोई कढ़ाई बर्तन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप एक ही बर्तन में पूरी भाजी बना के तैयार कर सकते हैं। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं रफली चॉप टमाटर, उनको भी मैं हल्का सा कर लूँगी सॉटी। टमाटर जल्दी पक जाए इसके लिए मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा सा नमक एंड इसी टाइम पे मैं इसमें डाल दे रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जो कि तीखी तो बिल्कुल नहीं होती है लेकिन कलर अच्छा आ जाता है। और जस्ट जैसे ही टमाटर इसमें अच्छे से थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे हम इसमें डाल देंगे सारी वेजीज जितनी भी हमें भाजी में डालनी है। सो यहाँ मैं डाल रही हूँ आलू, फूल गोभी, गाजर, मटर और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं डाल रही हूँ वो है बीट रूट। बीट रूट डालने से ये हेल्दी तो बनेगी साथ में इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, आप लास्ट में देखना। अब मैंने डाल दिया इसमें पानी और पानी के बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक और डालूंगी क्योंकि नमक जो हमने पहले डाला था ना वो डाला था सिर्फ टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए। नमक डाल दिया है, मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसका हम लिड लगा के प्रेशर को करीबन इसको कर लेंगे 10 से 12 मिनट। एंड अगर आप कुकर में इसको बनाएं तो इसको करीबन जब तक प्रेशर कुक कर लें जब तक कि सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती हैं। पोटैटो मैशर की हेल्प से अब मैं इन सारी सब्जियों को अच्छे से मैश कर लूँगी। मैंने इन सब्जियों को 10 मिनट के लिए प्रेशर कुक किया था, उसके बाद जब प्रेशर अपने आप ठंडा हो गया था तब मैंने इसकी लिड को ओपन किया है, आईपी की लिड को। नाउ आई एम मैशिंग ऑल द वेजीज प्रॉपरली। सारी सब्जियां अच्छे से मैश हो गई हैं, अब मैं इसमें डालूंगी एक तड़का जिसमें मैंने डाला है पाव भाजी मसाला, गरम मसाला, सूखा धनिया और जीरा पाउडर, थोड़ी सी और कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है। तड़का मैंने बटर और ऑयल में मिलाकर बनाया है, आप चाहें तो सेपरेटली बटर या सेपरेटली ऑयल या घी में बना सकते हैं। अगर आपको अलग से तड़का नहीं बनाना है तो आप चाहें ये सारे मसाले पाव भाजी को कुक करते टाइम भी डाल सकते हैं, तो उस तरह से आपका दूसरा तड़का पैन भी यूज़ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है तड़का जिसमें मैंने तीन चार मसाले डाले थे जिसमें कि मेन है पाव भाजी मसाला। एक बार ये और अच्छे से कर देंगे इसको मिक्स और उसके बाद हमारी भाजी बन के हो जाएगी तैयार। रात को फ्रेंड के यहाँ से बहुत लेट आए थे लेकिन मैंने किचन पूरी वाइंड अप करी थी, सबसे पहले भाजी बनाई थी। अब सबसे पहले मैं आपको भाजी दिखाती हूँ कि भाजी इस टाइम कैसी लग रही है।
सो संडे की मॉर्निंग ही हो रही है एंड यू कैन सी द कलर, कितना अच्छा रेड कलर आया है बिना किसी फूड कलर के, ये सिर्फ बीट रूट और कश्मीरी लाल मिर्च से आया है। एंड फ्रेंड आप इस तरीके से भाजी बनाएंगे ना, ट्रस्ट मी टेस्टी तो बनेगी, साथ में सबको बहुत पसंद आएगी। साथ में कुछ तैयारी और भी कर दी है, जैसे हम लोगों ने बिरयानी बना के रख दी है, रायता बनाना है और कस्टर्ड बनाना है। तो कस्टर्ड मेरा बहुत टेस्टी बना था, उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, सबको बहुत पसंद आया। तो यहाँ पर देखिए, ये देखो कस्टर्ड यहाँ पर बन गया, एक्चुअली बनाना नहीं है, उसको मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो गई हैं और मैं भी हो गई हूँ रेडी, यहाँ पे सबके फ्रेंड्स भी आ गए हैं।